विंडोज़ के पार्ट 3 के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम विंडोज़ शॉर्टकट्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विंडोज़ के अंतर्गत डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं। इन सारे शॉर्टकट्स को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इसका क्या उपयोग है विंडोज़ के अंतर्गत, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। सबसे पहला शॉर्टकट्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अल्ट प्लस टैब, यानी कि अल्ट प्लस टैब से क्या होता है, स्विच बिटवीन वन एप्लीकेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्ट प्लस टैब स्विच बिटवीन वन एप्लीकेशंस, एक या एक से अधिक एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि अल्ट प्लस टैब का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है और शॉर्टकट्स यहाँ पर हम जानने वाले हैं अल्ट प्लस टैब। तो अल्ट को यहाँ पर हम प्रेस करते हैं और साथ ही साथ टैब को प्रेस करते हैं। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट की और टैब का मतलब होता है टेबल की। तो अल्ट प्लस टैब, देखिए जैसे ही अल्ट प्लस टैब करते हैं यहाँ पर डिफरेंट स्क्रीन यहाँ पे सामने आ जाता है। अल्ट और टैब को प्रेस करते ही अलग अलग स्क्रीन सामने आ जाता है, जैसे कि ये फर्स्ट स्क्रीन हो गया, या सेकंड स्क्रीन हो गया, या थर्ड स्क्रीन हो गया। इस तरह से डिफरेंट स्क्रीन, अलग अलग स्क्रीन जितने भी यहाँ पर निकले हुए हैं वो अल्ट टैब के साथ यहाँ पर हमें देखने लगते हैं। तो बेसिकली जो टास्क बार में जो एप्लीकेशंस हम ओपन करके रखते हैं वो सारे एप्लीकेशंस अल्ट टैब करने पर सामने एक बार में यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है हमें। तो इसको हम लोग यहाँ पर अल्ट और टैब से यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अल्ट शिफ्ट टैब। तो यहां पर मैं बता दूं कि अल्ट टैब और अल्ट शिफ्ट टैब दोनों एक सेम तरह का ही शॉर्टकट्स है। दोनों का उपयोग स्विच बिटवीन वन एप्लीकेशंस के बीच किया जाता है, यानी कि स्क्रीन पर अलग अलग एप्लीकेशंस को स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है। या तो हम अल्ट टैब से कर सकते हैं या अल्ट शिफ्ट टैब से कर सकते हैं, दोनों का उपयोग एक जैसा ही है। तो यहाँ पर हमने अल्ट टैब्स को देखा, अल्ट शिफ्ट टैब्स को देखा, अब अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन को यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं कि प्रिंट स्क्रीन किस तरह का होता है। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर में लोकेटेड होता है यहाँ पर, और अलग अलग कीबोर्ड में यहाँ पर किसी में PRTSC लिखा रहता है, किसी में प्रिंट स्क्रीन लिखा रहता है, बेसिकली PRTSC लिखा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं प्रिंट स्क्रीन यहाँ पर और लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन SYN करके। तो ये बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड होता है कीबोर्ड्स के ऊपर में। इसका उपयोग कहाँ पर होता है ये हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि प्रिंट स्क्रीन का कहाँ उपयोग होता है। प्रिंट स्क्रीन का उपयोग अल्ट के साथ किया जाता है, विदाउट अल्ट भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अल्ट को यहाँ पर हम प्रेस करते हैं और प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं। जैसे ही अल्ट के साथ हम प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो जो करंट एरिया है उसका स्क्रीन शॉट हो जाता है। जिस तरह से मोबाइल फोन वगैरह पर हम लोग साइड बटन प्रेस करके या फिर अन्य तरीकों से स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसी तरह से लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इस दो बटन को प्रेस करके स्क्रीन शॉट लिया जाता है। कभी कभी सिर्फ PRTSC बटन को भी प्रेस करके स्क्रीन शॉट लिया जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन को यहाँ पर यूज़ किया और इसे हम देखते हैं कि प्रिंट स्क्रीन लेने के बाद ये कैसा दिखता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर विंडो की R प्रेस करते हैं और MS पेंट यहाँ पर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, MS पेंट ओपन करते हैं MS पेंट को। तो जैसे यहाँ पर हम लोग MS पेंट को ओपन करते हैं आप देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंट स्क्रीन था इसमें कि ये कीबोर्ड यहाँ पर हमारा आ गया।
इस तरह से कुछ और चीज़ों का हम यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन लेके देखते हैं कि किस तरह से प्रिंट स्क्रीन होता है या कैसे काम करता है प्रिंट स्क्रीन। देखिए अभी इसका इस पूरे करंट स्क्रीन का हम यहाँ पे भी प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। देखिए कैसे लेते हैं यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन। तो कीबोर्ड से हमने यहाँ पर PRTSC प्रेस किया, अल्ट के साथ या विदाउट अल्ट भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद MS पेंट पर हम आते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, तो ये एरिया स्क्रीन शॉट हो जाता है। इस तरह से किसी भी विंडोज़ के एप्लीकेशंस में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी डेस्कटॉप एरिया का प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, टास्क बार का प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, या करंट आइटम्स जो भी सामने दिख रहा है उसका प्रिंट स्क्रीन यहाँ पर हम आसानी से ले सकते हैं PRTSC बटन्स का उपयोग करके। नेक्स्ट शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, विंडोज़ टास्क मैनेजर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल अल्ट डेल, जिससे कि विंडो टास्क मैनेजर ओपन होता है। विंडो टास्क मैनेजर क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए तीन की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल का, अल्ट का, डेल का। इसे हम यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल को, अल्ट को और डिलीट बटन को, यानी कि इस बटन को एक साथ प्रेस करना होता है, कंट्रोल, अल्ट और डिलीट। जब कंट्रोल, अल्ट और डिलीट को एक साथ हम प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का मेन्यूज जो है आपके सामने खुलता है, टास्क मैनेजर, जिसमें अलग अलग तरह के मेन्यू हैं, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप्स। तो अलग अलग यहाँ पर मेन्यू देख पा रहे हैं इसके अंदर है। तो प्रोसेस के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस विंडोज़ के अंदर ओपन है, जैसे कि गूगल क्रोम, खुद टास्क मैनेजर भी, और बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस चल रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर विंडोज 7 या विंडोज 10 या विंडोज 11 के अंदर जो एप्लीकेशंस या जो फाइल्स रन कर रहे हैं वो यहाँ पर टास्क मैनेजर के अंदर दिखाई देता है। तो बैकग्राउंड प्रोसेस में 60 प्रोसेस यहाँ पे रन कर रहा है, एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशंस यहाँ पे ओपन हुआ है। टास्क मैनेजर के थ्रू हम लोग जब हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है या किसी वजह से हमारा सिस्टम वर्क नहीं करने लगता है तो इस तीनों बटन्स को हम लोग यूज करते हैं, कंट्रोल, अल्ट और डेल बटन्स को। और कोई भी एप्लीकेशंस जो सही से कार्य नहीं कर रहा है उसे या तो रोक सकते हैं, उसे पाउज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या उस एप्लीकेशन से हम लोग टर्मिनेट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो ये संभव होता है टास्क मैनेजर के प्रोसेस से। अभी अगर गूगल क्रोम्स को यहाँ पर बंद करना होगा तो गूगल क्रोम्स को यहाँ पर क्लिक करके इसके प्रोसेस को, इसके रन को यहाँ पर हमें टर्मिनेट करना होगा। इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसको विंडो टास्क मैनेजर के थ्रू रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे इसमें हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस को। विंडो टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस के अंतर्गत यहां पर हम लोग देखते हैं कि CPU कितने प्रतिशत उपयोग हो रहा है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर दिख रहा है कि 27% उपयोग में आ रहा है। तो एक ग्राफ के रूप में ये दिखाया जाता है। उसी तरह से मेमोरी, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर का जो रैम है वो कितने प्रतिशत प्रयोग में आ रहा है, 33% यहाँ पर है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हार्ड डिस्क कितने परसेंट प्रयोग में आ रहा है, यहाँ पे 7% दिख रहा है। हार्ड डिस्क 1 कितने परसेंट प्रयोग में आ रहा है, इथरनेट यानी कि इंटरनेट कितने प्रतिशत प्रयोग में आ रहा है। आप देख भी पा रहे हैं ग्राफ में किस तरह से इंटरनेट यहाँ पर उपयोग हो रहा है और कितना MBPS या KBPS पर ये हमारा चल रहा है। तो परफॉर्मेंस के अंतर्गत सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है आपका, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपका CPU यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर्स का जो रैम होता है उसका जो मेमोरी होता है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर पा रहा है, उसका उसके अंदर का जो हार्ड डिस्क होता है वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर पा रहा है, यानी कि
विंडोज़ टास्क मैनेजर जिसे हम कंट्रोल अल्ट डिल प्रेस करके यहाँ पर हम ओपन करते हैं, इसके अंतर्गत प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूज़र डिटेल्स और बहुत सारे सर्विसेज इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है विंडोज़ का। नेक्स्ट शॉर्टकट में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल प्लस स्केप। कंट्रोल प्लस स्केप से क्या होता है, ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू, यानी कि स्टार्ट मेन्यू को लाया जाता है। स्टार्ट बटन को भी प्रेस करके हम लोग स्टार्ट मेन्यू को ला सकते हैं और कंट्रोल और स्केप को प्रेस करके भी हम लोग स्टार्ट मेन्यू को ला सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में कि स्टार्ट मेन्यू कैसा होता है और किस तरह से स्टार्ट मेन्यू को हम लोग ओपन कर सकते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के अंतर्गत कंट्रोल और स्केप, इसे जैसे ही प्रेस किया जाता है स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू किस तरह का होता है दिखने में, यहां पर हम देख पाते हैं, ये देखिए कि स्टार्ट मेन्यू है और ये एक विंडोज 7 का स्टार्ट मेन्यू है, ये विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू है। ये पूरा एरिया स्टार्ट मेन्यू का होता है जिसे कंट्रोल और इसके बटन को प्रेस करके लाया जा सकता है। इस स्टार्ट मेन्यूज के अंतर्गत आप अपने प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम्स को ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देखिए प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। ये पूरा का पूरा जो मेन्यू होता है स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आप कोई फाइल भी सर्च कर सकते हैं, नए प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम फाइल्स वगैरह को यहाँ पर हम लोग रन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट। तो नेक्स्ट शॉर्टकट्स में यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं F2 आता है। तो F2 से यहाँ रीनेम सेलेक्टेड आइकन, डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं इसके नाम को हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं F2 होता कहाँ पर है। एक कीबोर्ड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कीबोर्ड के सबसे ऊपर में यानी कि यहाँ पर F2 होता है। अभी हम लोग F2 को देखते हैं और F2 से क्या उपयोग कर पाते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए एक टाइपिकल्स कीबोर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं F2 का उपयोग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग अभी हम लोग फाइल को रीनेम। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक आइकन है और F2 बटन से यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। F2 बटन के उपयोग से हम लोग इस आइकन्स को रीनेम कर रहे हैं। तो कोई भी आइकन जो कि डेस्कटॉप एरिया पर है या फिर कहीं पर भी है उसे हम लोग बेसिकली F3 का उपयोग जो होता है, फंक्शंस की 3 का उपयोग किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए होता है। तो टोटल 12 फंक्शंस की होते हैं हमारे कीबोर्ड्स पे, जिसमें कि हम लोगों ने F2 के फंक्शंस को देखा। F3 के फंक्शंस से किसी चीज़ को फाइंड किया जाता है डेस्कटॉप एरिया से, या इंटरनेट से अगर कोई इसकी सर्च करना होता है तो F2 के उपयोग से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं F3 का प्रयोग करके, यहाँ पर हम F2 को यूज़ करते हैं, F3 को यूज़ कर रहे हैं। तो एक फाइंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अगर लोटस सर्च करना है तो यहाँ से लोटस सर्च हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 लोटस, यानी कि इस डेस्कटॉप एरिया पर कहीं पर भी लोटस कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी लोटस के नाम से सर्च नहीं हो रहा है। तो कुछ भी जो इस एरिया में है जिसे हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं F। नेक्स्ट शॉर्टकट्स में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं F4 का हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विंडो की ई को प्रेस करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है और यहाँ पर
F4 का उपयोग करते हैं। F4 को जैसे प्रेस किया जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सी ड्राइव में एक्सेस करना है तो यहाँ पर सी कॉलन स्लैश लिखकर इंटर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सी ड्राइव में यहाँ पर एक्सेस किया, तो F4 का उपयोग किसी भी ड्राइव में एक्सेस करने के लिए है, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या डिफरेंट, इसी के साथ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि F5 का उपयोग क्या होता है। F5 का बेसिकली उपयोग रिफ्रेश ऑफ द कंटेंट्स के लिए होता है, यानी कि किसी भी कंटेंट्स को अगर रिफ्रेश, इसी के साथ Alt F4 का उपयोग जो होता है किसी प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए होता है, जैसे कि आपने वर्डपैड, नोटपैड या कोई भी प्रोग्राम्स को आपने ओपन किया तो उस प्रोग्राम से अगर बाहर आना है तो हम लोग Alt F4 का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को बंद करना है तो वहाँ पर भी हम लोग Alt F4 का यूज़ करते हैं। Ctrl F4 या Alt F4 दोनों एक सेम तरह के ही शॉर्टकट्स हैं, दोनों का उपयोग हम लोग सेम तरह के वर्क के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं Ctrl+। Ctrl+ का उपयोग जो है विंडो एक्सप्लोरर को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। हम लोग देखते हैं विंडो एक्सप्लोरर, यहाँ पर यह है विंडो एक्सप्लोरर, इसको बेसिकली एडजस्ट करने के लिए इस शॉर्टकट्स का हम लोग उपयोग करते हैं Ctrl+। यहाँ से देखिए एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये विंडो 10 में प्रॉब्ली वर्क नहीं करता, ये बेसिकली विंडो 7 में वर्क करता है। तो Ctrl+ का यूज़ विंडो एक्सप्लोरर को एडजस्ट करने के लिए होता है। Alt+Enter का प्रयोग प्रॉपर्टीज विंडोज़ को ओपन करने के लिए किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज विंडोज किसे कहते हैं। किसी भी आइकन्स या प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉपर्टीज विंडोज होता है जिसके अंतर्गत उस पूरे फाइल्स का डिटेल्स रहता है कि वो फाइल्स कब बना है, उस फाइल का साइज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर्टीज डिटेल्स के अंदर देखते हैं। तो Alt+Enter करने से प्रॉपर्टी डिटेल्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टी डिटेल्स ओपन करके, जैसा कि हम यहाँ पर एक फोल्डर्स के प्रॉपर्टी डिटेल्स को देख पा रहे हैं, ये किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टी डिटेल्स को बता सकता है, जैसे किसी फाइल्स के प्रॉपर्टीज के डिटेल्स को, आइकन्स के प्रॉपर्टी के डिटेल्स को और किसी भी एप्लीकेशंस के प्रॉपर्टीज के डिटेल्स को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का डिटेल्स है ये वाला, और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आता है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए इसे हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसके अंदर का सिक्योरिटी, जनरल्स, डिटेल्स, प्रीवियस वर्जन, कैपेबिलिटी। तो प्रॉपर्टीज डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है कि ये फाइल का टाइप क्या है, ये किस लोकेशन पर है, कब ये क्रिएट हुआ और इसका एट्रीब्यूट्स क्या है। तो इन सारे का डिटेल्स फाइल के प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं Shift और F10 का प्रयोग करके यहाँ पर राइट क्लिक को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि माउस में दो तरह के क्लिक्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक्स। तो अगर माउस के राइट क्लिक्स को हम लोग को यूज करना है तो उस माउस में Shift+ F10 की का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं Shift+Del। तो Shift+Del की के प्रयोग से हम लोग किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट बटन करने से फाइल डिलीट हो जाता है, लेकिन ये फाइल रिसाइकल बिन के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब हम लोग Shift+Del का उपयोग करते हैं तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसी तरह से किसी प्रोग्राम को सेफ मोड में ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर जब सिस्टम ओपन होने वाला होता है तो Shift की को प्रेस करके रखते हैं तो सिस्टम सेफ मोड में ओपन हो जाता है। सेम ये दोनों ऑप्शन, यानी कि सेफ
मोड में ओपन करने के लिए, और व्हेन पुटिंग एन ऑडियो सीडी विद द प्रिवेंट सीडी फ्रॉम प्लेइंग्स, और कोई सीडी जो हमारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स के अंदर है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग शिफ्ट की को प्रयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स की हैं, जैसे कि विंडो डी, विंडो एम। विंडो डी और विंडो एम की हम यहाँ पर बात करते हैं कि विंडो डी और विंडो एम से क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये विंडो की है, और विंडो की के साथ हम डी का प्रयोग करते हैं, तो विंडो की और डी, इससे देखिए कोई चीज मिनिमाइज हो जाता है, और विंडो की प्लस डी से फिर से मैक्सिमाइज हो जाता है। इसी तरह से विंडो की और एम का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है, और विंडो की एम का फिर से प्रयोग करते हैं तो ये हमारा मैक्सिमाइज नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमाइज सिर्फ विंडो की और डी से होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग विंडो की एम का उपयोग करते हैं, और मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों करने के लिए हम लोग यहाँ पर विंडो की डी का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि विंडो की प्लस ई का उपयोग हम लोग ओपन करने के लिए करते हैं टास्क बार को, तो टास्क बार में अलग अलग ड्राइव्स होते हैं जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स, इसको ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर विंडो की प्लस ई का उपयोग करते हैं, और विंडो की प्लस टैब का जो उपयोग है हम लोग प्रोग्राम मेन्यू को निकालने के लिए करते हैं। मैंने पहले भी चर्चा किया था प्रोग्राम मेन्यू कैसे निकलता है, तो विंडो की प्लस टैब का उपयोग प्रोग्राम मेन्यू के लिए होता है। विंडो की प्लस एफ का उपयोग फाइंड करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि F3 से भी फाइंड किया जा सकता है, और विंडो की प्लस F से भी फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह से विंडो की कंट्रोल प्लस F, विंडो की कंट्रोल प्लस F का उपयोग, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विंडो की कंट्रोल प्लस F का उपयोग फाइंड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए फाइल या डायरेक्टिव्स को यहाँ पर इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से विंडो की प्लस R, आपको पता ही है कि इस पर हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे कि विंडो की प्लस आर अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, विंडो की प्लस आर, यानी कि विंडो की के साथ, विंडो की के साथ हम लोग यहाँ पर आर का उपयोग करते हैं रन को चलाने के लिए। विंडो की प्लस पाउस ब्रेक का उपयोग सिस्टम प्रॉपर्टीज के लिए होता है, यानी कि सिस्टम्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको देखने के लिए होता है। तो यानी कि विंडो की प्लस पाउस ब्रेक, तो यहाँ पर पाउस ब्रेक का उपयोग हम लोग करते हैं जिससे कि सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है, जैसे कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है, सिस्टम के अंदर रैम क्या है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी कि सिस्टम प्रॉपर्टीज को देखने के लिए विंडो की के साथ पाउस ब्रेक का उपयोग हम लोग करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जिसका उपयोग हम लोग अपने सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशंस को देखने के लिए भी कर सकते हैं। विंडो की यू का उपयोग यूटिलिटी मैनेजर्स के लिए होता है, और विंडो की एल का उपयोग हम लोग सिस्टम्स को लॉक करने के लिए करते हैं। तो ये था विंडो का शॉर्टकट्स। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर और भी हैं, इन सारे शॉर्टकट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। F11 का उपयोग फुल स्क्रीन के लिए होता है। इसी तरह से हम लोग विंडो की प्लस एक्स का उपयोग मोबिलिटी सेंटर्स के लिए करते हैं। विंडो की प्लस पी का उपयोग हम लोग प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। F7 का उपयोग जो है ज़्यादातर MS Word में किया जाता है। MS Word में इसका उपयोग स्पेलिंग ग्रामर चेक्स में होता है। इसी तरह से इंड की और होम की का उपयोग हम लोग करते हैं, किसी भी कर्सर्स को पेज के सबसे लास्ट में ले जाने के लिए हम लोग इंड की का उपयोग करते हैं, और कर्सर्स को उस पेज के फर्स्ट पे ले जाने के लिए हम लोग होम की का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ वैकल्पिक की भी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पहले हम लोगों ने देखा था कुछ वैकल्पिक की हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखें कि विंडो की प्लस
नॉट विंडो की, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि शिफ्ट प्लस डेल का उपयोग, जो कि कंट्रोल प्लस एक्स का वैकल्पिक की है, मतलब कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग शिफ्ट प्लस डेल का उपयोग भी कट करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है, साथ ही साथ कंट्रोल प्लस आई एन एस की का हम लोग उपयोग कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। तो सबका जो है वैकल्पिक की है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए, साथ ही साथ शिफ्ट प्लस आई एन एस का प्रयोग भी पेस्ट करने के लिए होता है। तो इन सारे शॉर्ट्स की को आप नोट करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से विंडोज का विकास हुआ, और इस चैप्टर्स को एंड करते हैं। देखिए, ये बिल गेट्स हैं और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का निर्माण किया था अपने दोस्त के साथ पॉल एलन। 1975 में इन्होंने अपने कंपनी की नींव रखी, और उसके बाद से कुछ ये कंपनी अभी विंडो 11 तक के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बना चुका है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि विंडो के विषय में हिडन है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग पूरे दुनिया में 75% ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडो रन होता है। विंडो एक्सपी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपी, लगभग 45 मिलियन कॉपी सेल हो चुके थे। तो ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं विंडोज़ के बारे में। तो हमने आज विंडोज़ के चैप्टर्स को कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कवर करेंगे, जिसका नाम है विंडो डॉस, विंडो एमएस डॉस। तो उसे हम लोग एमएस डॉस के भी नाम से जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताया भी था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करता है। पूरे विस्तार से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में देखेंगे, और फिर इस पूरे विंडोज़ के चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे